वाहगुरु 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 वाहगुरु
गुरबाणी के अनुसार अगर देखें तो गुर मंत्र बताया गया है। वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमै खोई गुरबाणी का फरमान है। हमारा जो हमारे पांच विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे जो खतरनाक है ना, तो जितनी इस दास की बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि, उसके मुताबिक जो अहंकार है सबसे बुरा विकार है, ईगो, जिसमें आ जाती है उसको बर्बाद करके रख देता है, उससे गुरु की मत छीन लेता है और कलयुग की मत उसे प्रदान कर देता है। आज हम सभी इस सर्व धर्म सम्मेलन जो कि ऑनलाइन आप सभी सुन रहे हो, कथा विचार नाम सिमरन, इसका आगाज हमने कल किया था, तो आज भी हुक्म हुआ कि कुछ और शब्दों के साथ प्रस्तुत किया जाए। सर्व धर्म सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। गुरु जी का फरमान है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ये जो भी मुसीबत की घड़ी सारे संसार में आई पड़ी है, इसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि सारे धर्म, सब सत्कार जो धर्म है, बेशक वो सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम धर्म हो, पंजाबी की कहावत है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानवता का धर्म, मनुष्यता का धर्म। अभी हमें जरूरत है कि आपसी वैर विरोध को भुला के एक साथ सेवा में जुट जाएं। सेवा सिमरन में जरूरतमंद लोगों को, जिनको जरूरत है भोजन की, सो जिस हम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे ऑनलाइन हुए हैं, इनका बहुत सहयोग है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में माँ जी का आशीर्वाद है। भूखों को जहाँ पे भूखों के भूख की तृप्ति की जा रही है इस मुसीबत की घड़ी में, भूखों को रजाया जा रहा है, पेट भरा जा रहा है, वहाँ पे ये गुरबाणी का जो सर्वधर्म सम्मेलन शुरू किया है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन जो हमारी मन की तृप्ति है ना, जो मन की प्यास है, वो गुरबाणी गुरु की वाणी ही बुझा सकती है, गुरु की शिक्षा ही बुझा सकती है। तन की तो हमारा भोजन बुझा देता है, पर मन की है वो ये गुरबाणी ही बुझाती है। गुरु जी का फरमान है, मन की कटिया मैल साध संग डिठिया, आवे साहिब चित तेरे भगतां उठिया। जो मन की मैल है ना, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ श्या, जन्मों जन्मों से इस मन की मैल जो लगी है, पता नहीं कितनी लाख 84 लाख जूनी भोग कर इंसान मनुखा जन्म मिलता है, इंसान को मनुष्य देही मिलती है। तो बड़े भाग हैं जो आप सब जुड़ बैठे हो। अभी हम सारे इस कथा विचार के बाद शब्द के साथ जुड़ना करेंगे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले इहां उहां सच होवे। अगर सच्चे हृदय से अपने मालक से, अपने ईष्ट प्रभु परमात्मा से जो भी आप मांगो ना, पर अंदर सच्चाई हो, शुक्र सबसे पहले परमात्मा का शुक्र किया करिए। गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, जहां भी जाते हो, पहले आके गुरु का शुक्र करो। परमात्मा तेरा दत्ता बहुत कुछ है मेरे को, शुक्र है परमात्मा। ये नहीं भी अभी स्कूटर आ गया तो यहाँ मांग आ जाओ गुरुद्वारे अपने मतलब के लिए, परमात्मा उपकार दे। करोड़ पे आ गया तो तृष्णा इतनी बढ़ जाए कि 2 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, लालच की तृष्णा बढ़ती जाए। ये नहीं, फिर नहीं गुरु जोलियां भरेगा, फिर जो है ना आपके पास उसको भी ले लेगा। ठीक है, तो शुक्राना सबसे पहले गुरु का। गुरुद्वारे में माथा टेको, सबसे पहले माथा टेकने का मतलब क्या है? अपनी माड़ी मत को गुरु के चरणों में समर्पित करके गुरु का जो उपदेश है, गुरु का हुक्म है, उसे अपने जीवन में धारण करना। माड़ी मत को वहीं पे त्याग देना, छोड़ देना, गुरु की मत को धारण कर लेना, यही है जीवन। ये जिसको करना आ गया फिर वो तो संत सिपाही ही बन जाता है। आओ अभी सब जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, फिर जो ऐसा अगर करोगे तो जो अपने गुरु से मांगोगे, हीरे जवाहरात मोती जो मांगोगे, पहले उसका नेम करो, नित्यनेम करो, उसे खुश करो। अभी हम गुरुद्वारा में आते हैं, जहाँ पे आते हैं, ये मत सोचो कि गोलक में पैसा डाल दिया और दे दिया तो परमात्मा खुश हो जाएगा। परमात्मा को खुश करने का क्या तरीका है? गुरु जी को अपने घर से जब गुरुद्वारे के लिए माथा टेकने के लिए चलो, सबसे पहले कुछ ना कुछ अपना नेम करो, पैसों का, फूलों का, इसका नहीं भूखा गुरु। फूलों के बुके अगर ले गए तो गुरु खुश हो जाएगा। उसको फूल किस प्रकार के देने हैं? अपने घर से अगर शाम को चलते हो तो रहराज साहब का पाठ अपने घर से करके जाओ, संध्या का शुक्राना करो, गुरु जी मैं आपके लिए ये उपहार, आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। अगर सुबह आओ तो नित्यनेम 5 बाणियों का,
जो देश है, कुछ ना कुछ ये करके अगर आओगे तो गुरु की खुशियों के पार्टी बनोगे आप। आओ अभी बहुत विचार ना करते हुए इस शब्द के साथ हम जुड़ना करते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। नानक जी ने, गुरु नानक पातशाह जी ने अपने आप को दासों का दास कहा है। नानक दास मुखते जो बोला, जब ये आपको कंडीशन जो मैंने बताई है ये कर लोगे, फिर जो मांगोगे गुरु नानक से वो आपकी झोलियां भर देगा, भरपूर कर देगा। आओ सभी साथ में जुड़ के सभी ने कीर्तन करना है। सिर्फ एक दो शब्द हमने पढ़ने हैं, उसके बाद समाप्ति कर देनी है। फिर जब अगली बार कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपके साथ जुड़ना करूंगे। परसों 13 अप्रैल को विसाखी का दिहाड़ा, सिखों का सबसे बड़ा पर्व भी आ रहा है, जिसमें हमारे 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खंडे की पाहुल सिखों को देकर एक सिख धर्म की नींव रखी थी, उसकी भी आप संतों को सभी को एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई हो। परसों हम देखेंगे 13 अप्रैल को, कोशिश करेंगे अपने समय में से समय निकाल के अगर लाइव का बन पड़ा तो परसों भी करेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी के साथ आप सबको जोड़ेंगे। आओ अभी सब प्रेम प्यार से इस शब्द का आगाज करते हैं। और सभी देखने वाले स्रोतों को बेनती है कि साथ ही साथ शेयर करते जाइए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ये भी एक परोपकार है। किसी के कानों में गुरु की मध्य गुरु की बात किसी के हृदय में बस जाएगी सुन के, तो उसका पुण्य किसको लगेगा? आप शेयर करने वालों को लगेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे विश्व में ये वीडियो जाए और समूह कायनात का मुक्ता का भला हो सके। आओ सभी जुड़ना करें जी। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई
जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। संगत जी, आप सबने इस पावन पवित्र गुरु अर्जन देव पातशाह जी की वाणी के साथ जुड़ना किया है। अभी हम थोड़ा चिर और गुरु विचार के साथ जुड़ेंगे, फिर एक शब्द के साथ इस आज के जो ऑनलाइन लाइव की है समाप्ति करेंगे। एक बार फिर सभी संगत से, देखने वाले स्रोतों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ताकि औरों के पास भी ये जो ऑनलाइन है गुरबाणी पहुंच सके। क्योंकि गुरु जी फरमाते हैं कि जैसे जोड़ने जैसा किसी को लाभ नहीं है गुरु के चरणों के साथ, और तोड़ने जैसा पाप नहीं है। अक्सर हम जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, आजकल की जो गायकी है, जो पंजाबी गायकी है, इतनी लच्चर किस्म की हो चुकी है कि कोई सही मैसेज नहीं देता। लिखने वाले भी ऐसी उनकी जो बुद्धि है मत भ्रष्ट चुकी है कि जो मन में आया गलत लिखते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं, हथियारों को प्रमोट करते हैं, अश्लीलता को प्रमोट करते हैं। पर कलयुग का इतना पसारा था कि देखो जो पंजाब की जवानी है उनको सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखती है, और हम जैसे गुरु के कीर्तनियों को सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते जो उस अकाल पुरख का सच्चे मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। हमें पागल कहा जाता है, उनको संत सिपाही कहा जाता है। आज के युग में सब उल्टा हो गया। देखो क्या अभी कोरोना वायरस की कला, अभी जिसको मर्जी दोष दी जाओ, ये चाइना ने किया, ये को कल जो का इतना पसारा हो चुका था कि उस अकाल पुरख ने अपनी कला बरताई। अभी देखो सभी शराब के ठेके बंद हो गए, जानवरों का हत्या जो है वो बंद हो गई है। अभी देखो जब जब किसी जानवर को हम काटते हैं उसको खाने के लिए, किसी जंतु को, तो क्या वो हमें आशीष देता होगा कि मुझे तुम काट रहे हो, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ? बद आशीष देता है संगत जी। तो ये जो शराब है, ये हथियार, अभी सब शांति हो गई, सब बंद हो गया है। ये कलयुग का जो पसारा था, अभी एक संकेत दिया है। हम कहते हैं ना, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये उस परमात्मा की वार्निंग है कि ये मनुष्य तू अभी भी सुधरदा नहीं तो तेरा ये जन जीवन सारा, अभी तो सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। बहुत दुनिया भर में अरदासें, बेनती, भजन कीर्तन हो रहा है, लोड़बंदों की सेवा हो रही है सभी संस्थानों की तरफ से, पर अगर फिर भी इंसान की जो स्पीड है ना रुकी, जीव जंतुओं पे अत्याचार और कलयुग का जो पसारा हुआ, तो एक दिन ये सृष्टि, ये धरती का नामो निशान खत्म हो जाएगा दुनिया से। गुरु नानक देव पातशाह जी ने कितने सालों पहले कह दिया था, पताला पाता लख आगासा आगास। जो भी साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि कितने ग्रह हैं, कितना कुछ है दुनिया में, कोई अंत नहीं है। आकाश में कितने ग्रह हैं, धरती के नीचे कितनी दुनिया बसी हुई है। तो हमारे भाग्यों में, मनुष्य के भागों में धरती आई है। कुदरत का सम्मान करना चाहिए, बड़े छोटे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी ही हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। अभी जो इतनी संस्थाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रसादा चुका रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कलयुगी लोग जो निंदा चुगली वाले, माड़ी मत, माड़ी सोच रखने वाले लोग, उनको भी नहीं छोड़ रहे। कह रहे हैं इतने गुरुद्वारे बनाने का क्या फायदा, मंदिर मस्जिद बनाने का क्या फायदा, गुरुद्वारे बनाने का क्या फायदा। अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी साहब जी कह दिया है कि अभी हमारे बस की बात नहीं रही, गुरुद्वारों को उद्देश्य किया है कि आप जरूरतमंदों को लंगर प्रसादा शिकाएं ज्यादा से ज्यादा। हर चीज की जरूरत है इस संसार में, गुरुद्वारों की भी, मंदिर, मस्जिद, अस्पतालों की, सब चीज की जरूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने पैसा कहाँ लगाना है। आपने जो अपना गुरुघर का दसवंध है,
वो कहाँ पे लगाना है, उसका यूज करना है, मिस यूज करना है, शराब पीनी है पबों में, यहाँ पे अश्लीलता लचरता के तरफ ये सब पैसा लगाना है कि गुरु घर के तरफ लगाना है। तो आओ इतनी ही बेनती प्रवान करना। और आपको एक भाई घनैया जी की मैं साखी सुनाऊंगा, क्योंकि दास भी भाई घनैया जी जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सेवक हुए हैं उनके वंश में से है हमारा परिवार भी। जब जंग के मैदान में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की सेना, गुरु गोविंद सिंह पातशाह मुगलों के साथ जब जंग चल रहा था, तो जंग के मैदान में बहुत मौतें हो रही थी, बहुत शहीदियां बह रही थी, जख्मी हो रहे थे मुस्लिम और सिख जंग का। तो एक गुरु जी का सिख था, परम सिख निर्वैर सिख भाई घनैया जी, भाई घनैया जी। उसके पास एक पानी वाली मुश्क थी, उसमें पानी भर के वो अपने सिखों जख्मी सिखों को तो जंग के मैदान में पानी पिलाते ही थे, साथ में मुसलमानों को भी पानी पिलाते थे, जख्मी मुसलमानों को पानी पिलाते थे। और फिर ये बात का सिखों को बहुत गुस्सा चढ़ा कि हम इतना जंग लड़ रहे हैं और ये भाई घनैया है जो ये पानी पिला के उनको फिर से जीवित कर रहा है मुसलमानों को। तो ये शिकायत लेके गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के पास गए सिख, सिख सैनिक जो थे। तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह से कहा कि ये जो भाई घनैया है ये पानी की सेवा कर रहा है, ये कोई नहीं देखता मुस्लिम है सिख है, ये पानी पिलाता जा रहा है, हमारे दुश्मनों को भी गुरु जी पानी पिलाता जा रहा है, तो ये हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। तो गुरु जी ने भाई घनैया जी से पूछा कि क्या सच बात है, आप पानी पिला रहे हो दुश्मनों को भी? तो आगे से भाई घनैया जी कहते हैं कि पातशाह मैं क्या करूं, मुझे मुस्लिम में भी आप नजर आते हो, सिख में भी आप नजर आते हो, मुझे तो सब तरफ आपका ही स्वरूप लगता है, तो आपको दुख में देख के क्या मैं पानी ना पिलाऊं? ये बात सुन के गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज दसवें गुरु इतने प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने मलम और पट्टी भी दी साथ में भाई घनैया जी को, कहा कि अब तुमने पानी नहीं पिलाना दुश्मनों को, अगर कोई जख्मी जंग के मैदान में मिलता है तो उसकी मलम पट्टी भी करो, ये लो मलम पट्टी। तो ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए, मानस की जात सब एक है पहचान को, सबको एक जैसा देखना चाहिए, कोई वितकरा नहीं करना चाहिए, हिंदू है मुस्लिम है सिख है सब हम ही भाई भाई हैं। एक एक सच्चा सर्वधर्म सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि एक संदेश सारी मानवता को देखना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। आओ अभी छोटा सा एक शब्द, सच ए साहिबा क्या ना ही कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है जिस दे हे सो पाए। आनंद साहब की रामकली की वाणी में हम पढ़ते हैं ना ये शब्द, गुरु जी फरमाते हैं, सिख बेनती करता है कि पातशाह तेरे घर में क्या नहीं है, सब कुछ है तेरे घर में, पर जिसने दिया उसने पाया, जिसने सच्चे हृदय से उसको याद किया एक खिन भी एक सेकंड भी याद कर लिया उसकी सारी आशा मुरादें पूरी हो गई। आओ इस शब्द के साथ जुड़ना करके हम समाप्ति करेंगे। सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, सच्चे साहिबा
कीर्तन की यही पे समाप्ति है। गुरबाणी कीर्तन कथा विचार गायन करते समय आपके अनजान बच्चों से व्यंत प्रकार की भूलें गलती हो जाती होंगी। आप सर्वत संगत बक्षण योग हो, क्योंकि गुरु पातशाह जी ने संगत को बहुत बड़ी उपाधि दी है। गुरु जी ने कहा है, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत में गुरु पिता परमात्मा जी अपने आप बसते हैं। जहाँ पर संगत की एकत्रता हो जाती है, इकट्ठ हो जाता है, वहाँ पर सचखंड बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। सो इतनी ही सेवा प्रमाण करना। फतेह बुलाओ जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।